सो गाइस बारी है अभी यहाँ से निकलने की, तो मैं बता दूँ व्लॉग के स्टार्टिंग में बता दूँ एंड में बताऊँगी, पहुँच के बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं मंदिर जा रही हूँ। जेरी यहाँ पे खड़ा है, इसको लग रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो ये भी साथ साथ खड़ा है। तो और मैंने इयर रिंग वगैरह सिंपल डाले हैं, ये मेरे को पापा जी ने दिया था मोदी खाई में, तो ये सिंपल डाले हैं क्योंकि मंदिर में चोरी भी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी चलते हैं फटाफट से। और ऐसे टाइप का हेयर स्टाइल साड़ी वगैरह पे अच्छा लगता है, गोल मुंह लगता है लेकिन अच्छा लगता है। क्या मम्मी मम्मी शायद चढ़ाने के लिए प्रसादी के लिए दे रही हैं। तो फटाफट से चलते हैं नीचे, घर के पापा वेट कर रहे हैं। बाय जेरू, जेरू बाय, एक छोड़ना मत। तुम कहाँ गए थे भाई? मामा को छोड़ के पैदल गए थे आप? क्यों ई रिक्शा से जाना चाहिए आपको? बेचारा तो गोदी नहीं लेके गए आप इसको? गोदी में ले गए, पैदल थोड़ी ही जाएगा। बाय लड्डू। जम और लड्डू मैचिंग मैचिंग किए, लड्डू के पापा का थोड़ा सा रेड रेड है बस। तभी चलते हैं फटाफट से क्योंकि आना है, आने के बाद और भी काम है और धूप बहुत ज़्यादा हो भी गई। यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर और आए हैं थावे मंदिर, और लड्डू को देख लीजिए टॉवल में कैसे अंदर है, प्रसाद लिया है, अभी जा कर के दर्शन करेंगे। इधर फोटो भी खिंचवाते हैं, तो हम लोग भी खिंचवाएंगे फोटो निकालने वाला। सो फाइनली आज यहाँ हम लोग पहुँच गए थावे मंदिर, अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे और फटाक से निकलेंगे अपनी ननद के वहाँ। लड्डू कर लिया। तो भाई यहाँ घंटी में लोग बांधते हैं कि जो भी मन्नत पूरा होगा तो हम लोग आएंगे वापस। तो मेरा ये था, जब लड्डू होने वाला था ना तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, मैं ऑलमोस्ट मोर देन 12 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मैं बता दूं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था जो कि 5 kg कह रहा हूँ, तो यानी 4.7 ऐसे कुछ kg का था लड्डू, तो बहुत ज़्यादा ही हैवी था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से फिर उसके बाद हम लोगों को, मतलब मेरे को हुआ था। तो मैंने माता जी से बोला था आप मुझे ठीक से कर दीजिए, मेरे बच्चे को स्वस्थ रखिएगा, और लड्डू को कोई जॉन्डिस वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैं आई यहाँ पे, मुझे आना था। तो अब आज मुझे जाना भी है, तो मैं इसलिए पहले यहाँ माता जी के दर्शन कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। माता जी का हम लोग का दर्शन हो चुका है। तो आप लोग जब यहाँ से निकलोगे, यहाँ साइड साइड में दुकान होते हैं जहाँ से हम लोग सामान ले सकते हैं, मोस्टली इधर चूड़ी उड़ी लेते थे, बट अभी कुछ ले नहीं रही हूँ बिकॉज सिंदूर है। तो अभी हम लोग घर घर नहीं, अपनी दीदी के वहाँ निकलेंगे, और आज ही मुझे गोरखपुर निकलना है, तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी है ना। लड्डू लड्डू के सर का टॉवल आप कंधा पे ले लिए, वो उधर जा रहा है। और अभी भैया भाभी आए थे तो हम लोग के लिए कढ़ाई ली है क्योंकि मेरे को कढ़ाई चाहिए था। हाँ काय तौली ऐसे रखे आप? कौन सा है ऐसे दिखता है असली, बट होता नहीं है। हमको लग रहा है इधर मत, हम लोग का बाइक इधर नहीं है, इधर लड्डू। गाइस यहाँ हम लोगों ने खा लिया पड़किया, और पड़किया खा कर हम लोग निकल पड़े हैं दीदी के यहाँ पड़किया ले करके ही, बिकॉज मिठाई लेके जाते हैं। ये अपने से क्यों हट रहा है? इसको टांगिए आप हैंडल में, एक को ठीक है।
तो गाइस एज यूजुअल जब हम लोग कहीं जाते हैं तो ये अपना गाड़ी धुलते हैं उसके पहले और बाद में नहीं धुलते, जब जाना रहता तब धुलते हैं। इतना स्पीड में खोलने के बाद इतना ही पानी निकला है, आधा पानी इधर उधर फेंका गया होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि मैंने कोई ब्लाउज वगैरह दिया था स्टिच करने, वो लेने जाऊंगी मैं, और जल्दी फटाफट से जाके जल्दी से आएंगे। लड्डू को छोड़ के जा रहे हैं और ये जा रहे हैं बस। अच्छा अच्छा आदमी को उठा भी देता है, अच्छा भी जा भी देगा। और ये हैं सारे मेरे भाई बहन जो कि मेरे चाचू के बच्चे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा इसमें है, बोलो अनुष्का, इसका नाम है अनुष्का। और इसका भाई है ये विराट, जो कि एकदम हीरो जैसा दिखता है, बेचारा जल गया पता नहीं कैसे। और फिर ये है हीरोइन, है ना, क्या नाम है, सृष्टि, सृष्टि इसका नाम रखा गया था, रिद्धि सिद्धि सिद्धि है ना। और यहाँ पे है इसका नाम क्या है, लेकिन हम इसको गोलू बोलते हैं, है ना, गोलू बोलते हैं। अब वो तो अलग ही रहती है। ये है हम लोग की, पहले इसका नाम आराध्या था, अब इसका नाम मुस्कान हो गया। पहले छोटी थी ना तो तुम्हारा नाम आराध्या था, क्योंकि क्योंकि उसी टाइम ऐश्वर्या राय की बेटी का भी नाम आराध्या था, तो सेम ईयर की बॉर्न है। तो अभी ये लोग जाएंगे जीजू से मिलने, और तब तक हम, मैं आई थी ब्लाउज वगैरह लेने, लेकिन ब्लाउज मेरा स्टिच नहीं हुआ है तो मैं नहीं ली हूँ। तो फटाफट से यहाँ का काम करते हैं और फिर यहाँ से निकलना है, क्योंकि शाम में 6-7 बजे हम लोग को निकलना भी है। तो जेरू जेरू एकदम खुश हो जाता है जब कहीं से आते हैं दोस्तों, है ना, बोल रहे अच्छा 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 अच्छा। मेरा शेर देखो दे, अरे भाई आज आज अच्छा अच्छा जा भागा प्रिंस के पास, जल्दी कपड़ा बदल के ये लो। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि मेरी पैकिंग हो रही है, यहाँ कुछ साड़ियाँ हैं, यहाँ मेरी कुछ साड़ियाँ हैं एंड पैकिंग अभी कर रही हूँ मैं। इतना सारा भर दिया है, 4 ट्रॉली था, अभी यहाँ पर जीन्स है, जीन्स को रखना है मुझे, और ऊपर भी बहुत सारे अभी कपड़े हैं जो कि मेरे को पैक करना है। तो अभी मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने किया ही था पहले भी, बट अब जो बचा कुचा है वो भी पैक कर लेंगे, और जो भी फटाफट से पैकिंग करके उसके बाद फिर मिलते हैं।